पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी ऑर्गेनाइजेशन शहर खास ट्रेडर्स कोऑर्डिनेशन की तरफ से तमाम मुसलमानों को जो ये मुकद्दस महीने आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है और हमें खुशी है कि पिछले 2 साल से जो कोविड का असर झेल रहे थे लोग, मगर इंशाल्लाह ये महीना जो मुकद्दस महीना आ रहा है, हमारे ताजर भाई जो है चाहे सिविल लाइन्स हो, शहर खास हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, उनको भी ज़बरदस्त कोविड में ज़बरदस्त नुकसान से दो चार हो गए हैं, मगर इस बार हमें खुशी है, खुशी का मुकाम है कि इंशाल्लाह इस बार इस महीने मस्जिद में भीड़ रहेगी, लोग नमाजें अदा करेंगे, कुरान खवानी में मशगूल रहेंगे। इंशाल्लाह ये हमारे लिए एक अच्छी बात है और खुशानीद बात है, क्योंकि ये मुसलमानों का मुकद्दस महीना रमज़ान का महीना होता है, ये इबादत का महीना होता है और हम खुदावंद करीम से दुआ करते हैं कि ये महीना रहमत लेकर आए और मगफिरत का महीना है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है और खुदा से दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को ये महीना जो मुकद्दस महीना है ये अच्छे से तमाम मुसलमानों के लिए गुजर जाए। तो मैं अपने तमाम जो हमारे ताजर भाई हैं उनसे मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि इस महीने कम से कम 10-15%, वैसे हमने कल भी एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमने ये पास किया कि हम कम से कम 10-15-20% तक हर एक आइटम में, चाहे ड्राई फ्रूट हो, खजूर हो, चाहे कोई भी आइटम हो जो रमज़ान में इस्तेमाल लोग करते हैं, इसमें हम 10-15-20% तक डिस्काउंट देंगे। इसके अलावा मैं रियासती इंतज़ामिया से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो रमज़ान का महीना है, इफ्तार के टाइम ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सड़कों से गायब होता है, लेकिन हर एक के पास गाड़ी नहीं होती है। अक्सर और बेशतर देखने में आया है कि गरीब गुरबात लोग हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन उनको इफ्तारी के वक्त ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट या चाहे लोकल ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, वो सारी शाम ही इफ्तार के वक्त गायब हो जाता है। इसके अलावा मैं PDD डिपार्टमेंट से भी अपील करता हूँ, सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त बिजली में कोई खलल ना हो जाए और पावर सप्लाई जो है मुकम्मल बहाल रहे, ताकि लोग आराम से इफ्तारी करें और सहरी खा सकें। शुभदी माह श्याम का आमद है, पहला रोज़ा है, पूरे आलम इस्लाम के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी हम आलम इस्लाम को रमज़ान के आने पर कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके साथ साथ जो LG सरकार है यहाँ पर, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है माह मुबारक के हवाले से जितने भी फैसल्टीज़ हैं लोगों के हवाले से, चाहे वो पावर हो वो अवेलेबल रहना चाहे, चाहे वो पानी हो वो अवेलेबल रहना चाहे, चाहे जितने भी फूड एंड सप्लाई के मुलाजिम साहिबान हैं उनको से बाहर आना चाहे, ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है मार्केटों में सब्ज़ी के हवाले से, सरसों के तेल के हवाले से, मुर्ग के हवाले से, गोश्त के हवाले से, गैस के हवाले से, उसको कंट्रोल करना चाहिए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, ताकि जो यहाँ का गरीब है बेचारा उन वो असरअंदाज नहीं होना चाहे ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से। ये ज़िम्मेदारी बनती है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट पे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है इसके हवाले से, उनको बाहर आना चाहे, मार्केट को उनको चेक करना चाहे। उसके साथ साथ जो पावर की सिचुएशन रही पिछले साल, आप देखें शहरी की टाइम कटलमेंट होती थी पावर के हवाले से, शहरी पे पावर अवेलेबल रहना चाहे, इफ्तार के टाइम पे कटलमेंट होती थी पावर के हवाले से, इफ्तार के टाइम में पावर अवेलेबल रहना चाहे, पानी के हवाले से भी पिछले साल हाहाकार मच गया था कश्मीर में। मेरे ख्याल से इस साल सरकार को चाहिए एडवांस स्टेप लेने की ज़रूरत है, पानी के हवाले से पानी अवेलेबल रहना चाहे, शहरी के टाइम में इफ्तार के टाइम में कम से कम 24 घंटा पानी अवेलेबल रहना चाहिए। मेरे ख्याल से गुजारिश है कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की तरफ से, जितने भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर कश्मीर में, उनके तरफ से ये फ़र्ज़ बनता है ये चीज़ माह रमज़ान में अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि यहाँ का आवाम सफ़र नहीं करना चाहिए ना पानी के हवाले से, ना पावर के हवाले से, ना किचन के हवाले से, जितने भी एसेंशियल आइटम है किचन के हवाले से, उससे भी यहाँ का आवाम सफ़र नहीं होना चाहिए। यही गुजारिश है कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की तरफ से।